बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है, वन मोल कंटेन और वन मोल ऑफ मीथेन कंटेन, वन मोल मीथेन कंटेन 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स, 3 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, 6.023 × 10³³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1.81 × 10³³ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। तो ये याद रखे, आपके पास वन मोल है, वन मोल मीथेन में कार्बन के 12 ग्राम होते हैं, 12 ग्राम कार्बन, और हाइड्रोजन के 4 ग्राम हाइड्रोजन होते हैं, और इस वन मोल में आपके पास 6.023 × 10³ ये मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, ये मीथेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये याद रखिए, अगर इसमें हाइड्रोजन के एटम्स आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन एटम 6.023 × 10³³ × 4 ये 4 हो जाता है, और आपके पास जो मीथेन के मॉलिक्यूल्स है तो वो तो इतने हैं। तो अब देखें, आपके पास ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन गलत है, 3 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन या 6.023 × 10³ ऑफ हाइड्रोजन नहीं, इसमें देखें इसके साथ आपने 4 को मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो हाइड्रोजन बन जाता है, ये भी नहीं है, और ये 1.81 × 10³³ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन तो ये भी नहीं है, लिहाजा 4 ग्राम ये आपके पास जो है 4 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो 4 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो सही है। देखिए, आपके पास 12 ग्राम कार्बन है और 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो वन मॉलिक्यूल्स में, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब देखिए एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3.6 ml ड्रॉप ऑफ वाटर विद अ डेंसिटी 1 g/ml। इसमें देखिए आपके पास है ऑप्शन, ये वन ऑप्शन सही है, और क्यों, किस तरह से सही है, देखिए आपके पास है 1 ग्राम, 1 ग्राम जो है वो आपके पास है 1 ml के बराबर है, तो अगर आपके पास ये 18 ग्राम है, 18 g/ml, तो ये आपके पास 18 ml के बराबर होता है, 18 ml, तो आपके पास है कि 18 ml ऑफ H2O ड्रॉप जो है उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें आपके पास है इलेक्ट्रॉन, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और उसमें इलेक्ट्रॉन आपके पास है 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 है लेकिन 2n नंबर, और ऑक्सीजन में 8 है, तो 8 और 2 ये 10 बन जाते हैं, तो 10 है आपके पास। अब आपके पास है, अगर ये आपके पास 36 ml ऑफ वाटर हो, तो अगर 36 ml ऑफ वाटर हो तो एवोगाड्रो नंबर इनटू ये आपके पास 20 बन जाता है, ये 20 बन जाता है, लेकिन अगर ये आपके पास 3.6 ml ऑफ H2O हो तो ये आपके पास एवोगाड्रो नंबर, ये देखे अगर 3 से पहले, यहां पर देखे 6 से पहले डिसिमल को लगाया, यहां पर 0 से पहले आप डिसिमल को लगाए तो 2, तो ये आंसर मिलता है कि 2 × एवोगाड्रो नंबर, ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट आता है। देखिए इसके मुकाबले में ये डबल, अगर आप देखें यहां पर 18 में से एवोगाड्रो नंबर इनटू 10 है तो 36 में से एवोगाड्रो नंबर इनटू 20 होता है, आपने यहां पर 3.6 लगाया तो मैं यहां पर 0 से पहले डिसिमल को लगाऊंगा तो एवोगाड्रो नंबर इनटू 2 और 2 इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये आंसर सही है। ओके।